विदिशा जिले के खेल स्टेडियम पर प्रांतीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के लिए विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के बीच चयन की प्रक्रिया की गई। इस दौरान स्टेडियम आयोजकों द्वारा यहां शामिल होने आए विद्यार्थियों से भोजन में भेदभाव करने का आरोप लगा है। दरअसल खेल स्टेडियम में ट्रायल देने आए युवाओं को जो भोजन के पैकेट वितरित किए गए वो 5 पूरी और सब्जी के रूप में थे, जबकि इस भोजन की व्यवस्था कराने वाली ब्लॉक समन्वयक श्रीमती शर्मा का दावा है कि 8 पूरी और सब्जी बच्चों को पैकेट में दी गई है। इस पूरे मामले की जानकारी जिला खेल अधिकारी को दी गई। उन्होंने भी पैकेट खोलकर पूरी कम होने की पुष्टि की। बाद में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर कार्यवाही की बात कही है। विद्यार्थी भी खुलकर इस बारे में कुछ भी कहने से बचते रहे। वहीं भोजन के पैकेट वितरण करने वाली ब्लॉक समन्वयक जब मीडिया के सामने आई तो खुद हड़बड़ा गई। वह कुछ भी स्पष्ट रूप से बता पाने की स्थिति में नहीं थी। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। आएंगे भी आई भी अंदर कुछ 5 से थालियां भी आएंगी। वो किसके लिए आएंगी? नहीं भी थालियां मैं दिखा देता हूँ अंदर। अच्छा जी, वो क्या है? हमारे गेस्ट आए हुए हैं बाहर से। मैडम और ये बच्चे आए हुए हैं, इनके लिए बच्चों के लिए मैंने दो दो पैकेट सबको बांट। नहीं मैडम, आप एक एक बांट रही हो, चार चार पूरी निकल रही है इसके अंदर। चार नहीं है सर। देखो आप, देखो आप। तो मैडम ये खाना है बच्चों के लिए, आप जो दे रही हो आप भी खुद देख रही हो। भाई आपके गेस्ट आए, आप उनको एक बार बच्चों के लिए? नहीं, वो पहली बार विदिशा आएंगे बनवाई, बाकी हम सब लोग तो यही खा रहे हैं। पूरा हमारा पूरा डिपार्टमेंट अभी आप देख रहे, हम सब यही खाएंगे, सब लोगों के लिए यही मंगवाया। और वो हमने अपने पर्सनल उससे मंगवाया। मैडम कितने लोगों के लिए पैकेट बनवाए? ये 250 पैकेट। 250 पैकेट मैडम, इनकी क्या कॉस्ट है जो आपने बनवाई? 25 रुपए। क्या क्या है मैडम? आलू की सब्जी पूरी है, आलू छोले की सब्जी पूरी है। मैडम कितनी पूरी है इसके अंदर? 8 पूरी है मैडम। एक पैकेट हमें खोल कर पूजा कुरिल, जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी। मैडम ये कार्यक्रम चल रहा है बच्चों का, क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये अपना ब्लॉक लेवल का प्रांतीय खेल चल रहा है, इसमें आज विदिशा ब्लॉक के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैडम अभी देखने में आया खाने के लिए बच्चों का खाना सही नहीं है और पूड़ी वगैरह भी कम है, इस बारे में क्या कहना? आपने भी खुद खुलकर देखा है अभी? हाँ, मुझे आप लोग के द्वारा ही पता चला है, क्योंकि हम भी हमारे 22 और 23 को जिला स्तरीय तैयारी जो अपने प्रांतीय खेल की होनी है उसकी तैयारियों में लगे हुए, तो हम अभी जस्ट अंदर आकर ही हम लोग अपनी तैयारियों में लगे थे। आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि ये इसमें खाने में पूड़ियाँ कम है, प्रॉपरली खाने की व्यवस्था नहीं है, जिसको हमने देखा। तो आगे हम देखते हैं इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो अच्छी नहीं है। हम खुद भी समझ रहे हैं कि बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जो मुझे सही नहीं लगी है। इसके लेकर हम जरूर कार्रवाई करेंगे कुछ ना कुछ। मैडम खाना कम होने के साथ साथ वो क्वालिटी भी उसकी जो होना थी वो भी अच्छी नहीं है, गुणवत्ता जो होना चाहिए। हाँ, और खाने की व्यवस्था प्रॉपर होनी थी, ये मान रहे हैं हम सही नहीं है, क्योंकि मुझे भी अभी देखने में आया है कि ये सही नहीं है व्यवस्था। मैम एक चीज और है कि अभी आपने पूड़ी गिनी थी तो कितनी निकली उसके अंदर पूड़ी? इसमें 5 पूड़ी निकली एक पैकेट में। मैम एक चीज़ हो रहा है, अभी आपकी जो खेल की तैयारी चल रही है स्टेडियम में, स्टेडियम पूरा तैयार नहीं है और टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ पे, ये अपनी तैयारी पहले हो जाती, ग्राउंड पहले ही काफ़ी तैयार था और इतने दिनों का वक्त था हमारे पास, कर सकते थे। परंतु यहाँ पर जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनका टेंट लगने के कारण ये जो हमारा ग्राउंड है बहुत कुछ ख़राब हो गया है, और जिसकी व्यवस्था करने में हमें टाइम लग रहा है। और अन्य विभाग जैसे PWD और CMO नगर पालिका से बात हुई है मेरी, वो उन्होंने थोड़ा सफाई करवाई है और सामान हटवाया, उसके अलावा और भी जो पड़ा हुआ है उनसे मेरी आज ही और बात हुई है। तो उनका कहना है कि अभी करवा लेंगे, बाकी हम खुद भी उन व्यवस्थाओं में लगे हैं। कल तक जो है हमारा जिला स्तर के लिए जो प्रतियोगिता होनी है, कल तक हमारा शाम तक जिला स्तर के लिए ग्राउंड तैयार हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।